नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर। और हाँ, ये एक मैं इन्वेस्टमेंट पिक देना चाहता हूँ और बहुत ही करीब है मेरे दिल के, क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था और ये इन्वेस्टमेंट पिक सिर्फ मैंने क्या कहते हैं अपनी सराउंडिंग को देख के दी थी, ठीक है, अपनी सराउंडिंग को देख के दी थी और दिसंबर के मंथ में दी थी। उस वक्त आज की डेट में ये CMP इसकी 65 है, उस वक्त ये 24-25 को चलता था, ठीक है। तो आइए, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं करूँगा कि बिल्कुल लास्ट में आपको स्टॉक का नाम बताऊँ, क्योंकि मेरे कंटेंट में इतना दम है, आपको पता लग जाएगा। तो स्टॉक है मोरपेन लैब, ठीक है। अब आगे वीडियो क्यों देखना ज़रूरी है गाइस, मैं इसका आपके बारे में टेक्निकल भी शेयर करूँगा कि किस लेवल पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है, मतलब ज़्यादा और आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मोरपेन लैब, आप देखोगे पिछले एक दो साल में आपके घर में जितने हेल्थ अप्लाइंसेस पड़े हैं ना, जैसे BP की मशीन, ये ऑक्सीजन लेवल की मशीन, और क्या कहते हैं पल्स की, ये जितने भी हैं, ये मोरपेन लैब उस पर लिखा होगा, ठीक है। कोई ऑइंटमेंट हो गई, कोई मेडिसिन हो गई, ये मैंने खुद देखा। मैंने कहा कंपनी है कौन सी भाई, अपना स्टॉक मार्केट में भी सर्च किया, 26-27 पीछे के चार्ट वगैरह देखे, डेप्ट वगैरह देखा, तो एक्सीलेंट कंपनी लगी। इस दूसरे तीसरे दिन ही मैंने इसकी वीडियो बनाई और अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसके रिटर्न वगैरह हैं क्या, ठीक है। तो ये देखो आप, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 12.48%, जो उसने वेरी लास्ट वाले जो क्वार्टर में रिजल्ट आया था, और आपको पता ही है पिछले एक डेढ़ साल में हेल्थ केयर सेक्टर कैसा बूम हुआ है। आप चाहे अपोलो हॉस्पिटल देख लो, चाहे आप लालपैथ लैब देख लो, चाहे आप इपका लैब देख लो, सब डबल हो गए हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये स्टॉक 24-25 ये तीन गुना हो गया वहाँ से, ठीक है। तो स्टॉक इज टेक्निकली इन बुलिश रेंज, टेक्निकल ट्रेंड हैज़ बीन इम्प्रूव सिंस मार्च क्वार्टर, जिसमें इसके रिजल्ट आए थे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये आप यहाँ पढ़ेंगे कंपनी है किस चीज़ की, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, प्रोडक्ट इंक्लूड, ये बड़े मुश्किल नाम है यार, लोराटेडाइन ये सब वगैरह, कैल्शियम, ये सब API वगैरह यूज़ करती होगी, ठीक है। एंड हेल्थ एम्प्लाइंसेज जो भी हैं इनके, रेस्पिरेटरी, एनालिस्टिक, सोल्टम, ये जितना भी इन्होंने लिखा हुआ है तसल्ली से पढ़ लेना, मतलब फार्मा प्लस हेल्थ केयर टाइप की कंपनी है, ठीक है, फार्मा प्लस हेल्थ केयर टाइप की कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स हैं कैटेगरीज में जो डिवाइड होते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, और आपके घर में पक्का कुछ ना कुछ इसका पड़ा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, करंट रेट 65.30, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा सा, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 3,704 करोड़, और सेक्टर में मतलब क्या कहते हैं 100+ स्टॉक हैं, ये 150 के करीब लिस्टेड है, जो कि फार्मा के स्टॉक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वालिटी, अभी फ़िलहाल एवरेज दिखा रहा है, बट बेहतरीन, क्योंकि आगे आने वाले टाइम ऐसी ही कंपनी का है जो इमर्जिंग है, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है, ठीक है, उसको डबल होने में टाइम लगेगा, बट जो चीज़ इमर्जिंग है, मार्केट भी और बड़े बड़े फंड हाउसेस भी उनको ही देखते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न एकदम से बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, साइज रैंक 41 आउट ऑफ 164 कंपनीज इन फार्मा सेक्टर, ठीक है। अभी आगे आप रिजल्ट देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वैल्यूएशन तो एक्सपेंसेस हैं भाई, आज की डेट में किस स्टॉक के वैल्यूएशन एक्सपेंसेस नहीं है, बट आई विल टेल यू दी क्या कहते हैं CMP वेयर यू कैन एक्यूमलेट, अगर आप SIP कर रहे हैं उससे अलग, ठीक है। तो ये देखेंगे आप पिछले कुछ, उसका पिछला जो डे था उसमें 1.73 सेक्टर 0.9% वो था, 52 वीक लो है 19.30, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 52 वीक हाई है 75.00, ठीक है। और जब मैंने इसकी वीडियो बना के रखी थी उस समय कुछ 24-25 चल रहा था ये, ठीक है, दिसंबर में मिलेगी आपको। ये देखिए आप, अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो एक मंथ में 0.85% है, पर तीन मंथ में 30% का रिटर्न है, लास्ट थ्री मंथ में 30% का रिटर्न है, और सिक्स मंथ में 131.56, ये 30% का भी अप्रैल, मई, जून का दिखा रहा है आपको, ठीक है। और मार्च वाले को शामिल कर लें तो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, सिक्स मंथ में 131.56, ईयर ऑन ईयर 112, वन ईयर 203%, तो ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, पैसा लगाने वाली कंपनी है। अगर आप लमसम नहीं लगा सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे SIP चालू करिए, ठीक है, और लेवल्स में जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ पे आपको SIP से अलग डालना है पैसा, ठीक है।
ये आ जाइए आप, इसने 18 मार्च 2018, ईयर ऑन ईयर थोड़ा बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड टाइप, मार्च 2018 में 606, ये सारी करोड़ में है ठीक है, 606 था। मार्च 2019 में नेट सेल्स 768.54 पहुंची ठीक है, सेल्स मतलब बढ़ी, जिस कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रही है इसका मतलब वो अच्छा कर रही है, इसका मतलब वो ग्रोथ में है ठीक है। अब 19 के बाद आ जाइए, 20 में 853 एंड मार्च 2021 में देखिए 1188, 39.2% का चेंज सेल्स में। कैन यू इमेजिन गाइस, एंड ईयर ऑन ग्रोथ एंडेड मार्च 2031 इज 39.27 एंड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इज 189.13% वर्सेस 16.40% इन मार्च, मतलब 16.40% था मार्च 2020 में और 189.13% है मार्च 2021 में। दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, इससे पहले कि हवाई जहाज होके भागे नज़र गड़ा के बैठो चील की तरह ठीक है। आरओई आरओसी देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रूव हुई है, जब लास्ट टाइम मैंने रिकमेंड किया था तब इतनी नहीं थी बट अब बहुत इंप्रूव हुई है और ये एक दिन दोनों आपको 25% के ऊपर मिलेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैप, ये बहुत ज़रूरी होती है ये ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप कुछ रिजल्ट की हाईलाइट पे, ये आपको बता दिया, नेट प्रॉफिट आपने देख लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 72.96% था 1.48% इन मार्च, ये देखिए आप। देन इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बड़ा इसका, जो कि 2020 मार्च और 2021 मार्च अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं इस कंपनी के लिए ठीक है। और सेम आपको इस क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा जब इसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप सबको पता है भैया हाहाकार कितना मचा है देश में, और जिसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज को। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अभी ठुके हैं, लोगों के क्लेम बने हैं, इंश्योरेंस अभी ठुके हैं, पर आप ये चीज़ देखिए, गाड़ी का जिस हिसाब से आपको इंश्योरेंस कराना है उसी हिसाब से अगर इंश्योरेंस यहाँ से लोगों की लाइफ का होने लग गया ना, तो इंश्योरेंस कंपनियों का प्रॉफिट यू कांट इमेजिन ठीक है। वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए अलग से। आप नेट सेल्स देखिए यहाँ पे 2017, 2018, 2019, मार्च 2020 एंड मार्च 2021 ठीक है, ये पूरा का पूरा पिछले साल ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी की, साल दर साल ग्रोथ है ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी हिसाब से किस परसेंटेज से बढ़ा है, 9.11, 10.31, ये बीच में एवरेज रहा बट मार्च 2020 में 10.61, और ये है इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ठीक है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 33.58, मार्च 2019 में 28.5 और मार्च 2019 में 97.09, लगभग क्या तीन गुना है ही, 33.58 को ये तो पासिंग मार्क होते थे ठीक है, जो हमारे केमिस्ट्री में आते थे, यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 के करीब पहुँच जाता है, और 100 के करीब है, एक साल में कंपनी की सेल्स प्रॉफिट सब कुछ एकदम से तीन गुना हो गया, 3 times हो गया ठीक है। लिस्ट में रखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 34.5% है, पब्लिक 65.46% है, और अच्छा पैसा बनाया है, और म्यूचुअल फंड ने अभी स्टार्ट किया है इसको पिक करना, ये मैं आपको बता दूँ ठीक है। अब आ जाते हैं ज़्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए चार्ट पे ठीक है। ये देखो आप, ये है आपका मार्च वाले क्वार्टर में जब इसका रिजल्ट आया था, 32 से सीधा स्टॉक 65 गया था और 75 का हाई लगा चुका है ठीक है। तो अब इसको हम, मैं आपको बता देता हूँ, नज़र बना के रखना है, ये लेवल अगर आपको मिलता है ना इसमें 55 से 57, यहाँ पर पक्का इसमें 10-20 हज़ार रुपये डालिए, पक्का 10-20 हज़ार रुपये डालिए, और यहाँ से भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं ठीक है। ये क्योंकि 62 का भाव दिखाएगा आपको, इसका चार्ट देख के मुझे लग रहा है 62 का भाव, आई एम 99 to 100% श्योर कि 62 का भाव आपको दिखाएगा, 62 का ठीक है, एंड चांसेस आर देयर कि ये 55 से 57 के बीच में भी मिले, तो 62 पे आप इसमें 5-10 हज़ार रुपये लगाइए, 55 और इसके बीच में लगता है तो वहाँ पर भी जितने आपने यहाँ लगाए हैं उसका डबल लगाना है, डबल या फिर 1.5 times उसका वहाँ पे आपको ऐड करना है इस स्टॉक को ठीक है। दोस्तों एक अच्छी कंपनी लेके आया हूँ और फ्यूचर परस्पेक्टिव से भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी लेके आया हूँ, पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, वहाँ से 3 times हो चुकी है, एंड आई एम सीइंग दिस कंपनी नेक्स्ट 2 years व्हाट गवर्नमेंट इज़ मेकिंग राइट नाउ पॉलिसीज फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर इन द बी ग्रेड
सिटीज़, ठीक है, बी टाउनशिप, जैसे कस्बे लगा लो आप, वहाँ लगा लो, तो जहाँ हेल्थ केयर में गवर्नमेंट का जो शुरू होने वाला है इसको देखते हुए, तो भाई ये सब भागेंगे, लाल पैथ लैब, इपका लैब, जहाँ जहाँ आज खड़े हैं आपको बहुत आगे मिलेंगे। एंड मोर पेन लैब उस हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से, सीएमपी के हिसाब से, रेट के हिसाब से, स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप बनते हुए देर नहीं लगेगी जिस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये वाला जो क्वार्टर है इसमें रिजल्ट देखने लायक होंगे, ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर ऐड कीजिए, और इनकेस नीचे मिलता है वहाँ पर भी ऐड करना है, क्योंकि ये ग्रो करेगी करेगी। हेल्थ अप्लाइंसेज आज की डेट में लोग जिस हिसाब से अपने घर में रख रहे हैं ना, पहले कोई सोचता भी नहीं था। आप खुद देखिए आपके घर में आज क्या क्या पड़ा है, चेक कर लेना किस किस के हैं, ठीक है। मोर पेन लैब का आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, इनकेस वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही नॉलेज, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पिक आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।